आपको बता दें कि सरकार ने कुश्ती संघ को निलंबित कर दिया है। तो अहम खबर, बड़ी खबर, सरकार ने कुश्ती संघ को निलंबित किया है। तो दरअसल कुश्ती संघ को लेकर दरअसल पिछले काफी वक्त से बवाल जो था वो मचा हुआ था, और ब्रजभूषण आपको याद होंगे, उसके बाद जिस तरीके से पहलवानों ने धरना प्रदर्शन किया था वो सब आपको याद होगा। उसके बाद कई चीज़ें जो थी वो उठ रही थी, कई सवाल उठ रहे थे। इस बीच में चुनाव हो जाता है, और उसके बाद में चुनाव होने के बाद खबर सामने जो आती है वो ये आती है कि संजय सिंह जो है भारतीय कुश्ती संघ के नए अध्यक्ष चुने गए हैं। लेकिन साक्षी, इस वक्त की ये बड़ी खबर आ रही है, सरकार ने कुश्ती संघ को निलंबित कर दिया है, क्योंकि कुश्ती संघ का अभी चुनाव हुआ था जिसके अध्यक्ष जो थे वो संजय सिंह चुने गए थे। लेकिन आपको बता दें कि अब अहम खबर यह आ रही, क्योंकि संजय सिंह को लेकर के भी काफी बवाल हो रहा था। जो खिलाड़ी थे कुश्ती संघ के से जुड़े हुए, वो खिलाड़ी लगातार सड़कों पर उतर करके धरना प्रदर्शन कर रहे थे। बजरंग पुनिया आपने देखा किस तरीके से उन्होंने अवार्ड अपना वापस किया। साक्षी मलिक को आपने देखा कि उन्होंने कुश्ती त्याग दी। और उसके बाद क्योंकि संजय सिंह एक ऐसा विवादित नाम चेहरा खिलाड़ियों की तरफ से आ रहा था निकल करके सामने कि ये जो है ये बेहद करीबी है ब्रजभूषण सिंह के, और अगर उन्हीं की करीबी के लोगों को इस संघ में रखा जाएगा तो आप समझ सकते हैं कि आने वाले भविष्य में कुश्ती संघ क्या होगा। इसको लेकर के काफी आपत्ति जो थी वो जताई जा रही थी, और अब सरकार ने कुश्ती संघ को ही बता दे कि कर दिया है, हटा दिया है। संजय सिंह जो है वो अब कुश्ती संघ के अध्यक्ष नहीं रहेंगे। तो अहम खबर, बड़ी खबर इस वक्त की। तो जिस तरीके से लगातार कुश्ती संघ के नए अध्यक्ष के साथ ब्रजभूषण ने अयोध्या में जोश दिखाया था और कहा था कि दबदबा तो कायम रहेगा। पोस्टर्स भी अपने घर के बाहर उन्होंने लगा दिए थे कि दबदबा है और दबदबा कायम रहेगा। लेकिन उसके बाद जिस संजय सिंह को चुना गया था, उन संजय सिंह को लेकर आपको बता दें कि काफी बवाल जो था वो मच रहा था, क्योंकि आपको बता दें कुश्ती संघ के नए अध्यक्ष का विरोध लगातार हो रहा था। पीएम आवास के बाहर फुटपाथ पर पद्मश्री रख करके वापस बजरंग पुनिया लौट गए थे। साक्षी मलिक के आंसू जो थे वो सबने देखे, बजरंग पुनिया के आंसू सबने देखे। उसके बाद पूरा बवाल जो था वो इस खबर पर हो रहा था। लेकिन फिलहाल सरकार ने कुश्ती संघ को ही निलंबित कर दिया है। संजय सिंह अब कुश्ती संघ के अध्यक्ष नहीं रहेंगे। तो अहम खबर, बड़ी खबर इस वक्त की, क्योंकि संजय सिंह का नाम आने के बाद काफी बवाल हो रहा था। पहलवान जो थे, महिला पहलवान जो थी, वो लगातार विरोध कर रही थी, और अब महिला पहलवानों के विरोध के बाद ये बड़ा ऐलान कि साक्षी मलिक ने कुश्ती से छोड़ने का जिस तरीके से ऐलान किया, उसके बाद आपको बता दें कि पीएम आवास के बाहर फुटपाथ पर पद्मश्री रख करके बजरंग पुनिया जो थे वो वापस लौट गए थे। और अब ये अहम खबर कि सरकार ने कुश्ती संघ को निलंबित कर दिया है। निलंबित कर दिया है मतलब कि संजय सिंह जो है वो अब कुश्ती संघ के अध्यक्ष नहीं रहेंगे। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की आपकी टीवी स्क्रीन पर। बता दें आपको कि काफी बवाल हुआ, और उसके बाद संजय सिंह बबलू, दरअसल कौन थे ये इन जिन्होंने कुश्ती संघ के अध्यक्ष पद पर जो चुनाव लड़ रहे थे। संजय सिंह मूल रूप से यूपी के चंदौली के जिले के रहने वाले हैं, और लेकिन फिलहाल वो वाराणसी में ही रहते हैं, और वर्तमान में वाराणसी कुश्ती संघ के अध्यक्ष भी हैं। बीते डेढ़ दशक से भी ज्यादा समय से कुश्ती संघ से ये जुड़े हुए थे, और सबसे बड़ी बात जो थी वो ये थी कि जैसे इनका नाम सामने आया तो खबर अगली ये भी आई कि ब्रजभूषण शरण सिंह के काफी नजदीकी ये थे, काफी नजदीक इनको माना जा रहा था। तो बता दें आपको कि दरअसल भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष पद का चुनाव हुआ, और इसमें संजय सिंह बबलू की प्रबल दावेदारी जो मानी जा रही थी उसी नाम पर मोहर भी लगी, क्योंकि संजय सिंह बबलू भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के करीबी माने जाते हैं। और कहा यही था कि ब्रजभूषण जो है वो भी इस बात का अक्सर दावा करते हुए सुनाई देते थे कि संजय सिंह बबलू ही भारतीय कुश्ती संघ के अगले अध्यक्ष होंगे। और फिर खबर भी आई कि उनको अध्यक्ष के तौर पर चुना गया, लेकिन इस बीच जो महिला पहलवान थी उनका विरोध जो था वो लगातार होना शुरू हो गया। साक्षी मलिक ने पहले आपको बता दें कि उन्होंने अपनी कुश्ती छोड़ने त्यागने का ऐलान कर दिया। उसके बाद में आपको पता होगा कि किस तरीके से साक्षी मलिक मीडिया के सामने आती हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं, और उनके आंसू पूरे देश ने देखे। और जब महिला खिलाड़ियों का ये विरोध प्रदर्शन लगातार बढ़ता चला गया तो बता दें आपको कि अब संजय सिंह कुश्ती संघ के अध्यक्ष नहीं रहेंगे, क्योंकि WFI पर खेल मंत्रालय का ये बड़ा एक्शन, महिला पहलवानों के विरोध के बाद ये फैसला लिया गया है। तो खेल मंत्रालय ने WFI को निलंबित कर दिया है, क्योंकि साक्षी मलिक ने भी इस फैसले पर एतराज जताया था कुश्ती छोड़ने का,
ऐलान उन्होंने किया था। संजय सिंह के सभी फैसलों पर फिलहाल रोक जो है वो लगा दी गई है। अंडर 20 कुश्ती टूर्नामेंट का ऐलान जो था वो हो चुका था, लेकिन अब जो भी फैसले संजय सिंह ने लिए उन सब पर रोक लगा दी गई है। सरकार ने कुश्ती संघ को निलंबित कर दिया है। WFI पर खेल मंत्रालय का ये बड़ा एक्शन। कितने आपको बता दें कि वाराणसी के संजय सिंह जो WFI के नए अध्यक्ष बने थे, और जिस तरीके से कहा जा रहा था कुश्ती को अखाड़े से गद्दे तक लाने में उनका अहम योगदान जो था वो रहा था, लेकिन अब संजय सिंह जो भारतीय कुश्ती महासंघ के नए प्रमुख बने थे, लेकिन अब नहीं रहेंगे संजय सिंह कुश्ती संघ के अध्यक्ष, क्योंकि महिला पहलवानों ने लगातार विरोध किया। विरोध के बाद ये बड़ा फैसला जो है वो लिया गया है यहाँ पर। तो अहम खबर, बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बनने के बाद संजय सिंह ने बड़ा बयान भी दिया था और लगातार कुश्ती राजनीति को लेकर के भी वो कई बातें कहते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन आपको बता दें कि कुश्ती संघ पर अब सरकार का चाबुक जो है वो चल गया है, क्योंकि नया कुश्ती संघ निलंबित हो चुका है और अब WFI अध्यक्ष संजय सिंह की मान्यता भी रद्द कर दी गई है।